लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत कल 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सभी सीटों पर शाम को 7 बजे तक 62.37% मतदान दर्ज किया गया। अब ये वोटिंग मशीन 4 जून को खुलेंगी। सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में 80.17% हुई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 77.57%, मेघालय में 74.21%, पुडुचेरी में 73.50%, असम में 72.10% मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने कहा कि शाम 7 बजे तक मतदान का अनुमानित आंकड़ा सभी मतदान केंद्रों से तक भेजा गया। वहीं पश्चिम बंगाल और मणिपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा की सूचना मिली। अगर 2019 में हुए मतदान के पहले चरण से तुलना की जाए तो इस बार पहले फेज में कम वोटिंग हुई है। इधर आपको बता दें, छिटपुट हिंसा की घटनाएं जैसे मणिपुर से सामने आया बवाल, वहीं छत्तीसगढ़ में एक ग्रेनेड लॉन्चर हमले में एक जवान शहीद हो गया जबकि एक सीआरपीएफ कर्मी घायल हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 चरण के चुनाव के पहले और सबसे बड़े चरण का मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। चुनाव के दौरान छिटपुट हिंसा की खबरें थी जिसमें बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा समर्थकों पर कूचबिहार के सीतलकुची में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की के साथ मारपीट करने और कहा कि मतदाताओं को धमकी देने का आरोप लगाया। इधर मणिपुर में थमनपोक्पी में एक मतदान केंद्र के पास अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की और इरोसेम्बा मतदान केंद्र पर भी हिंसा की सूचना मिली। हालांकि मणिपुर में 68.62% और बंगाल में 77.57% मतदान हुआ। उधर राजस्थान के नागौर में भी आरएलपी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और असम में कुछ बूथों पर मामूली ईवीएम गड़बड़ी की सूचना मिली। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार सीट पर जो हिंसा हो उसकी वजह से मतदान भी प्रभावित हुआ। दोनों पार्टियों के सूत्रों ने बताया कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और चुनावी हिंसा, मतदाताओं को डराने धमकाने और चुनाव एजेंडों पर हमले से करीब 80 और 39 शिकायतें दर्ज की गईं। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 63.41% मतदाताओं ने वोट डाले, जहां गलती से ग्रेनेड फटने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया जबकि एक अन्य घटना में आईईडी विस्फोट में एक अधिकारी घायल हो गया। लोकसभा चुनाव में पहली बार बस्तर के 56 गांवों के मतदाताओं ने अपने ही गांव में बने मतदान केंद्र पर वोट डाला। इधर तमिलनाडु में बीजेपी ने डीएमके एआईएडीएमके पर आरोप लगाया। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर सीट से पार्टी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने करूर गांव के उथुपट्टी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। अन्नामलाई ने कहा कि राज्य में द्रविड़ राजनीति का समय खत्म हो गया है और उन्होंने द्रमुक और अन्नाद्रमुक पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोयम्बटूर में 1,000 करोड़ रूपये से अधिक खर्च करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब होने की भी शिकायतें हैं और भाजपा उन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग करेगी। इधर असम में भी लखीमपुर के बिहपुरिया के 3, होजई, कालियाबोर और बोकाखट के 1-1 और डिब्रूगढ़ के नाहरकटिया के 1 मतदान केंद्र पर ईवीएम में खराबी की सूचना मिली, जहां पर ज्यादातर गड़बड़ियां मॉक पोल के दौरान देखी गईं, जो कि मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले ही शुरू हुई थी। उन गड़बड़ियों को तुरंत ठीक कर लिया गया। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहां भी कल पहला चरण जिसमें वोटिंग का जो उत्साह था वो फीका नजर आया, क्योंकि करौली धौलपुर में 50% से कम वोटिंग हुई तो श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा 65% मतदान दर्ज किया गया।